मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास पर आज दोपहर करीब 2 बजे के आसपास में एक टेम्पो का ब्रेक फेल हो गया और दूसरी गाड़ियों को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराकर ये टेम्पो पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर राम निकम के पैरों में चोट लगी है और जो सहायक ड्राइवर था उसको भी चोट लगी है। यह हादसा मुंब्रा बाईपास पर लाल किला ढाबे के पास पे हुआ है। ये टेम्पो भिवंडी से लोड होकर शानपाड़ा की तरफ जा रहा था मगर मुंब्रा बाईपास पर हादसे का शिकार हो गया। हालांकि मौके पर ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी भी पहुंच गए और क्रेन की मदद से इस टेम्पो को हटाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान घंटों मुंब्रा बाईपास पर ट्रैफिक जाम लगी रही। हालांकि क्रेन से इस टेम्पो को खड़ा किया गया मगर थोड़ा सा इसे वहाँ से खिसकाने के दौरान ये टेम्पो दोबारा रोड पर पलट गया, जिसके बाद बड़े ही सावधानी से रोड के किनारे क्रेन की मदद से इस टेम्पो को लाकर रखा गया, जिसके बाद मुंब्रा बाईपास शील फाटा की तरफ जाने वाले रास्ते को दोबारा गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। वहीं इस हादसे को लेकर टेम्पो के ड्राइवर राम निकम ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। क्या नाम है आपका? राम निकम। कैसे ये हादसा? ये अभी इधर आते समय एक गाड़ी आई, उसको बचने के लिए इधर गाड़ी डाल दिया, ब्रेक डाउन हो गया गाड़ी का। ब्रेक फेल हो गया? हाँ। कितने बजे हुआ ये? अभी करीब 2 बजे हुआ है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मुंबई, अभी भिवंडी से गाड़ी भरा है, इधर जा रहा था अपना सानपाड़ा जा रहा था। तो ब्रेक फेल होने की वजह से? ब्रेक फेल होने की वजह से। कहीं चोट वोट लगी आपको? थोड़ा एयर मोर ये हुआ है। ये साथ में थे? हाँ साथ में। आपको भी लगी मार? थोड़ा हल्का लगा।